नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड राज्य में लगातार महिला अपराध का बढ़ता ग्राफ सरकार और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस महिला अपराध को लेकर बीजेपी के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी महिला अपराध के मामले में अपने ही नेताओं पर मौन क्यों। तो जिस तरह से करण महारा ने यह सवाल खड़ा किया है, साफ तौर पर उनका कहना है कि पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो आरोप लगे हैं उनको लेकर एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से चुप्पी साधी गई है, दूसरी तरफ कितने नेताओं को सजा मिली है इस पर भी कोई जवाब नहीं आता। तो जिस तरह से कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद सीएम धामी विकास को रफ्तार देने के लिए दिल्ली तक की दौड़ लगा पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस कानून व्यवस्था के बहाने धामी सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोल रही है। हम विपक्ष के लोग, हमारा काम है अपराध पे और गलती पे हम उस पर बोलेंगे। उनका यह कहना कि कांग्रेस के आरोप निराधार है, आदित्य राज सैनी पे क्या बोलेंगे, क्या केवल उसको पदच्युत करना अपने आप में है? क्यों अपने संगठन के लोगों को डिसिप्लिन में नहीं रखते? क्यों इतनी अपराध की, महिला अपराध की घटना इनके कर्मचारी इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं? क्या एक्शन इन्होंने ले लिया? केवल पद से हटाना क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्माण है? कांग्रेस तंज कसते हुए दावा कर रही है कि राज्य के भीतर 2 सालों में हत्या चोरी डकैती बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की संख्या बढ़ी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, हेमा नेगी पिंकी हत्याकांड, चंपावत में नाबालिग से बलात्कार, मंगलौर में सामूहिक दुष्कर्म, श्रीनगर में युवती से बलात्कार का प्रयास, द्वारा हाथ में नाबालिग दलित युवक से बलात्कार, देहरादून में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म, बहादुरबाद में 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं पर जुबानी हमला बोला है। निश्चित ही मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और पुलिस को, भले ही उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन ये बताएं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। अगर मेरे से पूछे तो अगर आरएसएस के संजय कुमार पे खाली उनको प्रदेश से बाहर ना भेजा गया होता, कार्रवाई होती तो आज हिम्मत नहीं होती। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अगर वीआईपी को ना बचाया गया होता, अगर डोजर नहीं चलाया होता, सबूत नहीं मिटाए होते, आग नहीं लगाई होती और वीआईपी पकड़ा जाता तो छुटवाइए नेताओं की हिम्मत नहीं होती। चाहे वो इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष हो जिसने मॉलेस्ट किया, चाहे वो इनका चंपावत का अध्यक्ष हो जिसने नाबालिग का बलात्कार किया, जमानत में बाहर है, चाहे 26 जून को बहुत ही बड़ी घटना घटी बहादुराबाद में, भाजपा नेता और ओबीसी के आयोग का जो सदस्य था, इसका नाम है आदित्य सैनी, इसने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार और उसका मर्डर हो गया, ये घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो मान्य पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है, जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अथवा मुठभेड़ में भी कई स्थानों पर जो शातिर अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई भी आरोपी बाहर घूम रहा हो। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर महिला अपराध की बढ़ती संख्या राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने लगी है। इसीलिए भी सरकार को अब कड़े एक्शन के साथ कार्यवाही करने की आवश्यकता है। देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। तो जिस तरह से महिला अपराध पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है इसी पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता सत्यवीर
चौहान प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले गरिमा दास सोनी जी आपके पास ही मैं आऊंगी, जिस तरह से महिला अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं लेकिन सवालों के जवाब मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, इस पर सबसे पहले तो आपका क्या कुछ कहना है? बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी पार्टी को और उनके कुकृतियों को उनके कुशासन को यहाँ डिफेंड करने के लिए चैनलों पर आ रहे हैं, इससे ज्यादा बेशर्मी की और कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि अगर उत्तराखंड को हमने उत्तम प्रदेश बनाना है तो फिर अगर इस तरह की गलतियां हो रही हैं और पुलिस प्रशासन का रसूख, उनका डर, उनका भय समाप्त हो रहा है तो फिर दबाव तो सत्ता पक्ष से भी डलना चाहिए। दबाव इस समय क्योंकि ये जो बच्चियां जिनकी मौतें हो रही हैं, जिनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, ये बच्चियां उत्तराखंड की बच्चियां हैं और बेटियां सबकी साझी होती हैं। बेटियां कोई तेरी मेरी नहीं होती, सबके घर में बेटियां हैं और बेटियों का दर्द क्या होता है वो माँ बाप अच्छी तरह से समझते हैं। तो कल दूसरों की बेटियां हैं, कल को हमारा नंबर आएगा, आज दूसरों की बेटियों का नंबर है। तो ऐसे में वीरता जी निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर सोयाल जी ने जो बात कही कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, कौन बाहर खुला घूम रहा है, हमारा सवाल ये है कि अपराधों में अचानक वृद्धि कैसे हो गई? अब आपके पास तो कोई चारा था नहीं, कोई ऑप्शन था नहीं कि आप अपने बलात्कारी को जेल में ना डालते तो और कहाँ डालते, ये बताइए। इतना ज्यादा हाइप वो केस हो गया, पूरे उत्तराखंड के सामने उजागर हो गया कि इनके ओबीसी आयोग का सदस्य था आदित्यनाथ सैनी, जिसने गैंगरेप किया अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग के साथ हरिद्वार के भाद्राबाद में। ऐसे में आपके या मेरे दल में भी होता तो हम उसको निष्कासित ही करते, और तो इनके हाथ में कुछ है नहीं। सवाल ये है, मैं एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ प्रियंका जी, मुझे प्लीज आधा मिनट और दीजिएगा, कि महिला अपराध में मात्र जनवरी से मई तक का आंकड़ा आपको बता रही हूँ, केवल कुमाऊं मंडल का बता रही हूँ, 660 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं 5 महीने में, जिसमें उधम सिंह नगर में 374 और नैनीताल में 149 जो है मामले हो चुके हैं रजिस्टर्ड। यहाँ अल्मोड़ा में 32, बागेश्वर में 14, पिथौरागढ़ में 51 और चंपावत में 40। अगर दुष्कर्म की बात करें तो चंपावत में 15, नैनीताल में 26 और उधम सिंह नगर में 80 दुष्कर्म मुकदमे जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। एनसीआर भी कह रहा है कि छठे पायदान पे है उत्तराखंड पूरे देश में और नौ हिमालयी राज्य में नंबर वन पर है। 2020 में 2446 थे जो केसेस, वो 2022 आते आते 4337 हो गए और केवल अभी तक डेटा जो है 2022 का आया है हमारे पास। 2023 और 24 का तो डेटा भी नहीं है। आप सोच सकती हैं कि जब 22 में ही 2000 की संख्या की वृद्धि हो गई। कुलदीप जी जरा गौर फरमाइएगा कि एनसीआरबी का डेटा 2020 में कहता है 2446 महिला अपराध रजिस्टर हुए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो वो 2022 आते आते 4337 हो गए और आज हम 2 साल बाद में खड़े हैं। तो जब एनसीआरबी 2024 का डेटा रिलीज करेगा तो मेरे ख्याल से मुंह दिखाने लायक ये नहीं रहेंगे। प्रियंका जी, सतबीर चौहान जी समेत तमाम भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, जाके नजरें मिलाओ उस विधवा से जिसका इकलौता सहारा थी वो बच्ची, नाबालिग बच्ची भाद्राबाद की, जिसकी इनके पदाधिकारी ने और उसकी आत्मा। सत्यवीर जी क्या कहना है इस पर आपका, जिस तरह के आंकड़े गरिमा दास सोनी जी प्रस्तुत कर रही हैं? प्रियंका जी, कांग्रेस आज सरकार की एजेंसियों के आंकड़ों पर भरोसा कर रही है, वैसे तो सरकार की किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं करती है, आज ये भरोसा कर रही है तो ये केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं, लेकिन सत्यवीर चौहान जी महिला अपराध के मामले में यहाँ पर कंसर्न ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरे को धैर्य से, मैं बता रहा हूँ वो उनकी भूमिका बता रहा हूँ कि किस भूमिका की ओर जा रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गरिमा जी तो शांत हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अगर आप डिबेट को खराब करना चाहती हो तो तय कर लीजिए कि डिबेट करनी है कि नौटंकी करनी है, यहाँ पर ये तय कर लीजिए आप, ये डिबेट करनी है कि नौटंकी करनी है। गरिमा जी थोड़ा गरिमा रखिए, किसको अड़का रहे, किसको अड़का रही है? गरिमा जी थोड़ा स्थिति चाहे कोई भी हो, महिला अपराधों पर आप बात करने आए हैं, आप बात कर रहे 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 हैं
इनके नेता महिलाओं का शोषण करते बोले जाते हैं, इनके जन्नत इनके पार्षद होते हैं उसकी लड़की को मारा जाता है, उसके साथ कांग्रेस का एक नेता खड़ा नहीं होता, यहाँ पे आके मीडिया के सामने इस प्रकार का आचरण करते हैं देखने को मिलता है। इनके शर्म भी नहीं आती है जब इनके पार्षद की लड़की मारी जाती है कर्नाटक में, कोई कांग्रेस का नेता खड़ा नहीं होता, तब कहता कि नहीं ये कुछ नहीं है, किसी प्रकार का विवाद नहीं, इनका आपस का विवाद था, महिला बयान नहीं लिखता। तो मैं गंभीरता के साथ जवाब देना चाहता हूं क्योंकि हम सत्ता में है, अगर ये गंभीरता के साथ सुनने के लिए तैयार है। नहीं लेकिन इतनी मर्यादा तो बना कर रखिए, महिला सहयोगी के साथ आपको कैसे बात करनी है? सत्यवीर जी जवाब दीजिएगा आप। प्रियंका जी, महिला हो या पुरुष हो, उसको ये तय करना है कि डिबेट में सही से रहना है कि नहीं रहना है। अब मैं आता हूँ विषय पे, हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री सत्यवीर चौहान जी, आप डिबेट में अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे, फिर आपके सामने महिला हो या पुरुष। प्रियंका जी, मैंने कौन सा ऐसा शब्द बोल दिया बताइए जरा, कौन सा लोकतांत्रिक शब्द बोल दिया, कौन सा ऐसा वैधानिक शब्द बोल दिया, कौन सा प्रजातंत्र शब्द बोल दिया, हम लोग पार्टी नहीं है जो आपातकाल लगा दिया, 25 महीने के लिए आपात लगा दिया, इंदिरा गांधी जैसी डिक्टेटरशिप होती हो जिसमें जिनके नेता करते थे, सुबह भी इंदिरा गांधी, शाम को भी इंदिरा गांधी, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज और इंदिरा इज इंडिया, वो वाली पार्टी हमारी पार्टी नहीं। आप उत्तराखंड पर बात करिए, आप उत्तराखंड पर बात करेंगे, सवाल सवाल महिला अपराधों को लेकर किए जा रहे हैं, महिला अपराधों में नहीं, जवाब दीजिएगा आप, जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कम से कम महिला बात करते समय आपको मर्यादा बनाए रखना चाहिए। 30 सेकंड तो मुझे बोलने दीजिए, 30 सेकंड मांग रहा हूँ आपसे आधे घंटे में। नहीं नहीं, आप पूरा अपना 1 मिनट लीजिए, लेकिन उसी पर बात करिएगा। अगर आप 1 मिनट तो 1 मिनट तक कंटिन्यू बोलने दीजिए जी। जैसे मैंने मैं बताना चाह, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने, और 7 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, हमने अगर कोई भी महिला अपराध सामने आया है तो उसकी तुरंत कार्रवाई करी है, क्विक रिस्पॉन्स किया है, कांग्रेस की तरह नहीं उन अपराधियों को बचाने का काम किया हो या कोर्ट में इसको छुड़ाने का काम किया हो उनको। हमारी सरकार महिला संरक्षण के लिए चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमने महिलाओं के हित में ही काम किया है। अभी कैबिनेट का फैसला ही देख लीजिए, सहकारिता समितियों में 33% आरक्षण देने का काम भी हमारी पार्टी ने किया, इस विधानसभा में उत्तराखंड की विधानसभा में कांग्रेस भी आप तो रही है। सत्यवीर चौहान जी, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फैसला आ गया क्या, न्याय मिल गया क्या परिवार को? न्याय देना कोर्ट का काम होता है, सरकार का काम नहीं होता। अगर आप सरकार की कार्रवाई और कोर्ट की कार्रवाई में अंतर नहीं समझ रहे हो तो ये मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। सरकार का तो राज्य में अगर महिला अपराधों की दर बढ़ती है, राज्य में अगर महिला अपराधों की दर बढ़ती है तो इसका जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा बताइए? मुझे प्रियंका जी, अगर आप धैर्य से सुनना चाहते हो तो सुन लीजिए, मैं आपको एक एक आंकड़ा बता रहा हूँ। कोर्ट की कार्रवाई में, राज्य सरकार की कार्रवाई में अगर आप अंतर नहीं समझ रहे हो, सरकार का काम ही होता है अपराधी को जेल के पीछे पहुंचाना और उसके बाद कार्रवाई करे, कोर्ट कार्रवाई करे। एनसीआरटी के आंकड़े गरिमा दसौनी जी ने बताए थे ना, आप उसे सरकारी संस्था माने, इनका सहारा मत लीजिए, इनका सहारा मत लीजिए, ये किसी एजेंसी में विश्वास नहीं करते, जब इनको सुटेबिलिटी होती है तब ये विश्वास। तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना सत्यवीर जी? नहीं, आप सुन लीजिए, आप भी तो वही कर रहे हैं ना? अरे सुन तो लीजिए, ये आजकल कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, जरा इंदिरा गांधी को याद कर लीजिए, जरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर लीजिए, राजीव गांधी को याद कर लीजिए, साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ था, उस तमाम मौलिक अधिकारों पर लड़ रही थी, जब वहां से फैसला हुआ था कि मेरे मौलिक अधिकारों की नहीं, लेकिन मुझे लगता है हर मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, महिला और युवाओं के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके पास आते हो सत्यवीर चौहान जी, मुझे जवाब नहीं मिल रहा, सत्यवीर चौहान जी मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मैं आपके पास आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, ठीक है, आप गरिमा जी के आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कुलदीप राणा जी, क्या कहना है आपका? गरिमा जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं इसको सूटेबिलिटी के हिसाब से चुने हुए आंकड़े बता रहे हैं, सत्यवीर जी आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, गरिमा जी ने जो आंकड़ा बताया है मैं उसमें सुधार करना चाहता हूँ। गरिमा जी ने एक आंकड़ा गलत बताया, वो 2446 नहीं है, वो 2846 है। तो गरिमा जी ने 400 अपराध जो है वो कम कर दिए, वो 846 अपराध है, ठीक है। और बिल्कुल प्रदेश में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अपराध करने की महिलाओं पर अपराध करने की छूट किसी को नहीं है, भाजपाइयों के अलावा। मैं इस पे आपत्ति जलाऊंगा,
हाँ सत्यवीर जी आप जवाब दीजिएगा, अभी तक तो आपको गरिमा जी से आपका बिहार की जो घटना है मुझे कोई आपके बीच में बोलने का शौक नहीं है। अगर आप किसी पार्टी का नाम ले रहे हो, पार्टी के नेताओं को इंडिकेट करें तो नाम के साथ बताइए अगर आप गंभीर हो। और इस प्रकार से अभी यहाँ पर जो देखने को मिला, सत्ताधारी दल में तो शालीनता होनी चाहिए, आप सत्ता में हैं, विपक्ष में उत्तेजना हो सवाल खड़े कर रही है, जनहित में सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सत्ता कैसे अपराधी घटनाओं से और इन आंकड़ों से आंख मूंद करती है। यह बात जो मैंने पहले कही, ये आपने जो अभी यहाँ पर जो आपका जो आचरण देखने को मिला ये उसी का जवाब था। इतनी शालीनता तो होनी चाहिए कि दो महिला यहाँ पर है और हम कैसे बात, महिला का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति का सहमत लीजिए उनसे अपनी बात मत बोलिए। आप एक और आजकल देखा भी गया है कि नहीं करेगा, अगर किसी महिला का उत्तराखंड की सरकार उसको पार्टी के महिला नेत्री सुनिए अपनी बात रखिए आप किसी की सुनना नहीं चाहते, ना आप कांग्रेस की सुनना चाहते, ना आप एंकर की सुनना चाहते, ना आप वरिष्ठ पत्रकार की सुनना चाहते, तो फिर डिबेट में आने का क्या मतलब हुआ आप बताइए। मैंने ये कहना है कि अगर आप किसी के सवाल को सुनना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते, तो फिर डिबेट का क्या अर्थ होगा। डिबेट अपराध हुए थे महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए थे, वहीं ये आंकड़ा 2018 में सीधा 2800 हो गया, 2019 में 2500 हुआ, 2020 में ये 2800 हुआ, 2021 में ये 3500 हुआ, 2022 में ये 16000 हुआ, और उसके बाद 2023 में ये 15757 का आंकड़ा जो अभी निकल करके आया है। सत्यवीर जी अब इस पर आप जवाब दे दीजिए, राज्य में या इसे भी छोटा करार दे दीजिए। मैं आपको हमारे देहरादून की राजधानी केरला में अब कुलदीप जी हमारे ही पूछा गया है, अब मेरे से पूछा गया है शालीनता का परिचय के शासन काल में एक राष्ट्रपति आती है पूछा गया है अभी तक शालीनता की बात करना है। कुलदीप राणा जी एक मिनट दीजिएगा, कुलदीप राणा जी एक मिनट दीजिएगा जी, जवाब दीजिएगा आप। प्रियंका जी दो घटनाएं उत्तराखंड के अंदर होती है, बहुत बड़ी घटनाएं होती है और नेशनल कवरेज तक बनी थी उसकी। प्रोला में उत्तरकाशी की वैली में घटना घटती है, चक्राता विधानसभा में घटना घटती है, उन अपराधियों को जब भारतीय जनता पार्टी पकड़ती है तब यही कांग्रेस उन अपराधियों को बचाने के लिए जी तोड़ प्रयास करती है। किस प्रकार के इन्होंने प्रोपोगंडे उस समय नहीं किए, उसके बाद जिस प्रकार से धर्मांतरण का कानून बाद में मुख्यमंत्री जी बनाया, लगातार जिस प्रकार की यहाँ पे घटना आ रही थी, ये तो वो पार्टी है कांग्रेस तो ये कह रही थी की मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनको हरिद्वार और महिलाओं की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य का जब गठन हो रहा था उत्तराखंड राज्य की मांग यही सही सवाल का जवाब देने के लिए डिबेट में बैठे हैं क्या इस उत्तराखंड राज्य के पास महिलाओं को कोई गोला चल रही है। एक मिनट सत्यवीर जी एक मिनट बात सुनेगा, समाजवादी पार्टी सत्यवीर जी उसी की अगर आपको अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना है तो फिर आपको चैनल की क्या जरूरत। हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार हमारी नीतियों से हो रहा है और भारत की जनता कर रही है, उत्तराखंड की जनता कर रही है। ठीक है कांग्रेस के बारे में आपने बोल लिया, 2024 के चुनाव के परिणाम आपने नहीं देखे तो उससे स्पष्ट हो जाता है कांग्रेस के नेता किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। सत्यवीर जी बहुत घुमा लिया आपने, अब आपने कांग्रेस की बात कर ली, अब उन आंकड़ों पे बात कर लीजिए जो आंकड़े प्रस्तुत। मेरे सवाल को पूछिए कि परोला चोरता में जो घटना घटती है तो उन अपराधियों को बचाने के लिए कांग्रेस सामने आती है। सत्यवीर जी आपने अपने सवाल का जवाब दिया है, कांग्रेस से पूछना है कि जो केरला में घटना घटी है केरला में घटना घटी है अपराधियों को बचाने के लिए कांग्रेस आगे क्यों आती है। नहीं सत्यवीर जी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पूरी मंशा के साथ आए हैं कि आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, महिला अपराधों पर एक तरफ कांग्रेस की तरफ से सवाल दिया है, दूसरे आपने ये ठाना है कि आप किसी सवाल पर जवाब नहीं देंगे। गरिमा दसौनी जी देखिए अभी इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथ में न्याय देना नहीं होता, न्याय तो कोर्ट देता है। अब ये साबित हो चुका है एक गवाह की गवाही पर कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अनंतरा रिजॉर्ट में साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर का आदेश उप जिलाधिकारी और रेणु बिष्ट का था। ऐसे में अपने दल से रेणु बिष्ट को बाहर करने का किसका काम था? संजय कुमार को दंडित करने का काम किस पर था जो इनका संगठन महामंत्री था और जिस पर अपनी ही महिला कार्यकर्ता के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, उसको इन्होंने चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में यहाँ से रफा दफा कर दिया, उसको दंडित करने का काम किसका था?
महेश नेगी को दंडित करने का, सुरेश राठौर को दंडित करने का काम किसका था? चलिए कोर्ट का काम कोर्ट पर छोड़ते हैं, लेकिन एज अ दल आपने क्या किया? बर्बाद गुलिस्ता को करने बस एक ही उल्लू काफी था, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? सतबीर चौहान की बातों को, इनका जो रवैया है आपकी डिबेट में सुनकर, इस डिबेट में बैठना मुश्किल हो रहा प्रियंका जी। एक औरत के साथ जब बलात्कार होता है तो उसकी केवल शारीरिक बोटियां नहीं नोची जाती, उसकी आत्मा क्षुण्णी कर दी जाती है, वो जिंदगी भर नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाती। और यहाँ हम बात नाबालिगों की कर रहे हैं, छह माह का शव जो हमें कूड़े में दो तीन दिन पुराना छह माह का शव मिल रहा है, एक मुंह बोला मामा अपनी 15 वर्षीय भांजी के साथ बलात्कार कर रहा है, केवल मात्र दो तीन दिन के अंतराल में 9 केसेस के ऊपर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की और आज मेरे स्थानीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये सब महिला अपराध देहरादून के इर्द गिर्द है, कोई पटेल नगर, कोई नेहरू कॉलोनी, कोई कैंट थाना क्षेत्र, और ज्यादातर केसेस आप सोचिए कि 12 वर्षीय एक बच्ची शौच को बाहर जाती है और जब आती नहीं घर, परिजन ढूंढवाई करते हैं, खोज करते हैं, तो नग्न अवस्था में निर्वस्त्र और सुदबुद खोई हुई लड़की जो है घर से थोड़ी दूर दूसरे घर में मिलती है। सत्यवीर चौहान जी, सतबीर जैसे पार्टी से अलग हटकर, पार्टी से ऊपर उठकर, आप इन तमाम केसों को महसूस कर सकते हैं क्या? क्या स्थिति परिवार की है? और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जितना शालीनता से आपने गरिमा दसोनी को सुना तो मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे भी उतनी शालीनता से सुना जाएगा। आप जवाब देंगे। ये वही गरिमा दसोनी है जो 2024 के चुनाव में किस प्रकार का कुप्रचार कर रही थी और फिर पुलिस थाने में जाके आती है, और मीडिया जब इनसे प्रश्न पूछती है उसके बाद किस प्रकार का कहती है कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी, मेरे से ये हो गया था। ये कांग्रेस के नेता किस प्रकार से अपना प्रचार करने के लिए किस स्थिति तक जा सकते हैं, वो स्पष्ट रूप से गरिमा दसोनी ने उस समय स्पष्ट कर दिया था। और मैं आपको आपको मैंने एक प्रश्न पूछा था आपके माध्यम से कि पुरोला और चलवाता में जब घटना घटी है वो भी महिला अपराध था, वो भी महिला अपराध था, उस महिला अपराध में जो कांग्रेस के उन अपराधियों का साथ दिया, जो कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई, और जब तस्वीर से लेके और सिक्कों के दंगे से लेके मुख्यमंत्री रहते हुए जैनी कांड और जो तंदूर कांड होता है उसमें अपराधियों को छुड़ाने का प्रयास करती है, प्रयास होता है तेलंगाना में, ये सरकार है हिमाचल में इनकी सरकार है, वहीं महिला मुख्यमंत्री कांड होता है दिल्ली के अंदर, सब कहते हैं कि छोटी आवाज डाउन कीजिएगा प्लीज। सत्यवीर चौहान जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, महिला अपराधों पर हम बातचीत कर रहे हैं, आपको इतनी घटनाओं के बारे में मैंने संजीदगी से एक सवाल पूछा और उस पर भी आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पार्टी की विचारधारा से ऊपर हटकर, पार्टी से ऊपर हटकर संजीदगी से इन घटनाओं के बारे में सोचकर जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने एक मिनट ले लिया और फिर आपको वही मौका मिला। कांग्रेस, अरे कांग्रेस पर सवाल आप कब तक उठाएंगे? जरा देखना कि आप उनके उनके बीच में कितना बोले और मेरे बीच में कितना बोले। मैंने शुरू में कहा था कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, किस बात के लिए मैंने आपको एक मिनट दिया था, आप बताइए। मैंने जो एक मिनट दे रही हूँ, लेकिन महिला अपराधों पर अपनी पार्टी का रुख आप तय करिएगा, जिन नेताओं को अब तक सजा नहीं मिली है उनके बारे में बात कीजिएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, 1 जुलाई 2024 को अंग्रेजों के कानूनों से हमको मुक्ति मिलने वाली है, जितने भी कानून थे वो सारे के सारे कानून निरस्त हो जाएंगे और भारत के अपने कानून आएंगे। अंग्रेजों की दी हुई जो गुलामी की जो निशानियां थी 1 जुलाई 2024 को वो समाप्त हो जाएगी। 1 जुलाई 2024 के बाद महिला पर अपराध कम हो जाएंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। महिलाओं के लिए हित में जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, सेना में भी परमानेंट कमीशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, और सेना में परमानेंट कमीशन देने का काम मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। शौचालय से लेकर सत्यवीर चौहान जी मुझे सुन रहे हैं इस कांग्रेस ने क्या सत्यवीर चौहान जी मुझे उत्पीड़न करती रही। सत्यवीर चौहान जी ठीक है, मैंने आपको बहुत समय दे दिया, एक भी सवाल का जवाब आपने पूरी डिबेट में नहीं दिया। महिला चाहे आपकी बात कर ले, चाहे किसकी बात कर ले, आपकी तरफ से सटीक कोई उत्तर मुझे मिला नहीं। कुलदीप राणा जी, देखिए सोनी, महिला अपराधियों को लेकर के अलग अलग की कैटेगरियां, दहेज के अपराध हैं, कई अपराध ऐसे होते हैं जो बंद कमरे में होते हैं, और उसके बाद पीड़िता जब पुलिस के पास पहुंचती है, कानून के शरण में पहुंचती है, तब वो मामले संज्ञान में आते हैं, कई बार ऐसे मामले संज्ञान में नहीं आ पाते, ठीक है। वहीं कुछ जो अपराध घर से बाहर, चार दीवारी से बाहर होते हैं, सड़क पर होते हैं, उसमें आम जनमानस और पुलिस की निगाह में चीजें आती हैं, उन सारी चीजों को लेकर के जिम्मेदारी राज्य की पुलिस की बनती है जो वो अनुभव कर सकते। जो सामाजिक क्राइम होता है
उसमें समाज को जागरूक करने की आवश्यकता होती है, समाज में चेतना जगाने की आवश्यकता होती है और खुद को भी उन चीजों को लेकर के गंभीर होने की आवश्यकता है। लेकिन बड़े दुख की बात तो यहाँ पर ये कुलदीप राणा जी कि जब डिबेट में बैठकर सत्यवीर जी इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं तब आम जनता को उनके सवालों का जवाब कहाँ से मिलेगा, न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। आपने सुना नहीं, मुझे लगता है जब मैं अपने किस तरह से चीजें करनी होंगी, क्योंकि देखिए ये समझने वाली बात है कि अभी एक बड़ी घटना हरिद्वार में हुई और जिसमें ये स्पष्ट निकल करके आया कि भाजपा के एक संगठन पर अधिकारी उसमें संलिप्त थे। भाजपा ने स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल होगा वो अपने कार्यकर्ता को निष्कासित करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अब पूर्व में कुछ और घटनाएं भी हुई है जिनमें भाजपा का नाम आया है। हालांकि हम यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि चीजों को लेकर के थोड़ा शालीनता का भाव रहेगा, लेकिन वो चीजें रही नहीं जी। ये महिला अपराध उत्तराखंड के लिए कोई छोटा विषय नहीं रहा है जी, उत्तराखंड की महिलाओं ने बहुत सारी चीजें सही, अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए, सरकार को थोड़ा गंभीर होना चाहिए था और इस दिशा में सरकार को गंभीरता के साथ प्रयास करने होंगे, जागरूकता के प्रयास करने होंगे और कानूनों को लेकर के, क्योंकि जो अपराध हुए हैं जब उसमें न्याय होता है तो एक नजीर पेश करते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है कुलदीप राणा जी, समय मेरे पास नहीं है, समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार और दलों के प्रयासों के साथ ही साथ नेताओं को और हर किसी को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह का रवैया रहा तो मुझे नहीं लगता कि न्याय के साथ कोई उम्मीद बची रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, गरिमा दसौनी जी, कुलदीप जी और सत्यवीर जी बहुत धन्यवाद, हालांकि मुझे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। तो उत्तराखंड में जिस तरह से महिला अपराध को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है और सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी केवल खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही है, कितने नेताओं को किस तरह से सजा दी है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी मौन साधा हुआ है और चुप्पी बरकरार है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस के सवालों का भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जवाब देती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।